हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से पोम 3 द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके पोएट वॉल्ट विटमैन है, इसकी वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम की वर्ड मीनिंग। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पोम की समरी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको प्रेस करके आप इस पोम की समरी को प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड इज दाओ। ओल्ड लैंग्वेज में यू को दाओ कहा जाता था, तो दाओ की मीनिंग है स्टूडेंट्स यू, यानी कि तुम। हु आर्ट दाओ, तो इसकी मीनिंग हो गई हु आर यू। एटर्नल की मीनिंग होती है एवर लास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाला, यानी कि अनंत। नेक्स्ट है इम्पेलपेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड इज वेंस, फ्रॉम वेयर। नेक्स्ट इज वैगली, नॉट क्लियरली। नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंड, कम डाउन, यानी कि नीचे उतरना। नेक्स्ट बॉटमलेस सी, डीप सी। नेक्स्ट वर्ड इज लिव, वॉश बाथ, यानी कि नहला देना किसी चीज़ को। ड्रॉट्स ड्राइनेस, यानी कि सूखा। नेक्स्ट इज एटोमीस, टिनी पार्टिकल, बहुत छोटे लघु कण कहते हैं जिसे। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लोब, जिसकी मीनिंग वर्ड है। नाउ नेक्स्ट इज लेटेंट, हिडन, यानी कि छिपा हुआ। अनबॉर्न, नॉट बॉर्न, जो अभी पैदा नहीं हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज फॉर एवर, यानी कि कंटिन्यूस। नाउ नेक्स्ट इज ओरिजन, सोर्स ऑफ बर्थ, अर्थ कह सकते हैं या सोर्स ऑफ बर्थ, जो सीड का था, उद्गम स्थान, जन्म स्थल भी कह सकते हैं हिंदी में, जो इस पोम में सीड के लिए यूज किया गया है, ओरिजिन यानी कि अर्थ या सोर्स ऑफ बर्थ। नेक्स्ट वर्ड इज फुलफिलमेंट, टू फुलफिल। नेक्स्ट रैक्ड और अनरैक्ड, केयर्ड अबाउट और नॉट केयर अबाउट। नेक्स्ट वर्ड इज वॉन्डरिंग टू ट्रैवल। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की हार्ड वर्ड्स की मीनिंग कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पोम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।